अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और पाकिस्तान ने आज ये मार्का बहुत ही अच्छे तरीके से जीता है। बेशक के डीएलएस मेथड से वह, लेकिन जिस तरह से वो खेल रहे थे इससे यही लग रहा है कि पाकिस्तान तकरीबन 35-38 ओवर में कर लेगा। 35-38 में कुछ ज्यादा ही कहेंगे, लेकिन पाकिस्तान जीत गया यार, इसी तरह इंशाल्लाह न्यूजीलैंड श्रीलंका से भी हारेगा और पाकिस्तान जो है अपना सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से श्रीलंका से नहीं हार सकता। ओ चले छोड़े आप इस बात को, छोड़े आप आज की परफॉर्मेंस बताएं। आप फखर जमान के देखो 10 छक्के 11 छक्के यार, एक बंदे ने एक इनिंग में लगा दिया। आपको छक्के नहीं याद, अब क्या करना है एनालिसिस? आपको छक्के नहीं पता, चौके नहीं पता, स्ट्राइक रेट नहीं पता होगा, बाबर आजम के कितने छक्के हैं आज ये बताओ। आप ये बताएं, आप ये देखे ना, इतने ज्यादा छक्के मारे हैं आज, इतने ज्यादा छक्के मारे हैं मैं याद ही नहीं कितने छक्के मारे हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग स्टैट्स है कि इमाम हक के 30 छक्के हैं उसके कैरियर के अंदर, कैरियर के अंदर। फखर जमान ने एक ही दो इनिंग्स में तकरीबन 1 में 11 मारे 1 में 7 मारे, तो 18 छक्के वो मार चुके हैं। तो आपने एक ऐसे प्लेयर को खिला रहे थे, खिलाई जा रहे हैं जो पर्ची है, प्रोटीन है, जो पर्ची है, स्ट्रेट अवे पर्ची है, ठीक है। और आप फखर जमान जो कह रहे हैं, जब उसने 100 मारा तो ऊपर देखा, क्या बात है, शुक्र है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई, ठीक है। क्योंकि आपने उसको बाहर रखा, आप उसको अंदर लाने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। ये तो ब्लेसिंग इन द गाइस के पर्ची नहीं चला, पर्ची अगर एक और 50 मारता उधर उसको फिक्स रखते हैं, ठीक है। मिकी ऑथर का काम क्या, मुझे पहले मिकी ऑथर का काम जरा समझाए ना, उनका काम क्या? मिकी ऑथर का पता है काम है कि जो मैं क्या हूँ यार, जो टीम सही कर रही होती है उसको गलत साइड पे ले जाता है। देखिए उस स्क्वाड का ये तो काम था ना कि फखर जमान हमारा मैच विनर, इसको बाहर नहीं रखना चाहिए। जी 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 जी, ये बाबर, अगर बाबर था भी कि इमाम मेरा दोस्त है, मेरी फ्रेंडशिप है, सारा कुछ है, लेकिन उसको तो रखना है, कोच है ना वो। जी जी, वो भारे का टट्टू थोड़ा है, फिर जी भारे से कॉलोनी से चुपके ले आए, ठीक है, उसको कुछ समझ नहीं। वो ऑनलाइन कोचिंग दे रहा है, एशिया कप जा रहा था, वहां पे भी डिस एग्रीमेंट था, ठीक है। फखर जमान के उस टाइम मौके भी दिए गए हैं, लेकिन मौके पे हीरो बनना, सुपरस्टार है फखर जमान का यार। आज उसने क्या छक्के मारे हैं, मैं तो फैन हो गई, बल्कि इसका तो फैन आया था बहुत बड़ा, आज दिल खुश कर दिया यार, बहुत मजा आया मुझे। आज इसने मौत के मुंह से आपको बचाया और आपकी सांसें वापस की। जी 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 जी, बिल्कुल, मौत के कुएं में सही समझ। 400 रन मारने के बाद जी कोई उम्मीद नहीं थी मुझे, थोड़ी सी थी क्योंकि फखर जमान उधर था, ठीक है। अगर आप कहते ना मामूलक, सॉरी टू से, सोच भी नहीं सकते, मामूलक ने यह करना था पूरी टीम पे प्रेशर आ जाता था। बाबर आजम का देखा कितना अग्रेसिव खेले, वो भी आज उन्होंने भी अच्छा सिक्सेस को कन्वर्ट किया है, ठीक है, उन्होंने अपने रन्स को अपॉर्चुनिटी को किया है। अब ब्रेक के बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या आया, ब्रेक के बाद ये आया कि लोग कह रहे थे 41 ओवर तक मैच आएगा, लेकिन वहां पे एक प्रेडिक्शन थी कि 5-6 ओवर का मैच है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। फखर जमान ने जो 21 रन मारे सऊदी को, वहां से ही आप जीते हो जी। वो किसका कॉल था आई डोंट नो, बाबर का था, फखर से था, मिकी ऑथर का नहीं हो सकता, इन दोनों में से किसी का था कि भाई हमने अटैक कर देना जाके, क्योंकि इनको पता था कि 5, लेकिन रन रेट आपका इतना बेहतर नहीं हुआ। अगर आपने सेमीफाइनल में जाना है तो 130 रन से न्यूजीलैंड के रन रेट को ऊपर जाना पड़ेगा। 130 रन से अगर हम सेमीफाइनल में जाना चाहते हैं तो आपकी बैटिंग फर्स्ट आई हो, ठीक है, 130 रन जीतने, अगर आप मान के चलिए श्रीलंका 1 रन से, अच्छा अगर वो तो इस तरह ना कि अगर पहले हमारी बैटिंग है 130 रन से जीतते हैं, अगर हमारी बॉलिंग आ जाती है, फिर बॉलिंग आ जाती है तो फिर आपको 30 ओवर में खत्म करना होगा मैच, वैसे जो मर्जी टारगेट हो, क्योंकि इंग्लैंड भी आज बेहतर खेल रही है, बेन स्टोक्स भी अच्छा खेल रहा है, तो 200 रन हो चुके हैं और कुछ रन रह गए, तो मुझे लग रहा है इंग्लैंड अपसेट करेगा ऑस्ट्रेलिया को आज। अच्छा, और इंग्लैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलनी है, अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलना चाहता तो वो तीनों मैच जीतेगा, वरना अदरवाइज पाकिस्तान तो होस्ट है, वो तो क्वालिफाई कर देगा आसानी से, लेकिन इंग्लैंड नहीं करेगा फिर। अच्छा, मेन मजा वर्ल्ड कप का आ रहा है कि न्यूजीलैंड, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये चटपटा अफगानिस्तान नहीं है, सॉरी अफगानिस्तान नहीं है, हाँ अफगानिस्तान नहीं है, लेकिन आप साउथ अफ्रीका, 8 पॉइंट, लेकिन साउथ अफ्रीका से वो नहीं जीत पाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत, आप क्या पता यार, पाकिस्तान को उम्मीद है थी कि वो पाकिस्तान हारेगा,
लेकिन पाकिस्तान एक बड़ी टीम है, बड़ी टीम और छोटी टीम में थोड़ा फर्क भी होता है ना। पाकिस्तान अपने लेवल से भी गिर गया क्रिकेट के लिए इस वर्ल्ड कप में। वो कब जाके हैं, जब मौत का कुआं सामने आ गया। जी जी। हाईवे वो कब चढ़े हैं, ठीक है, पेट्रोल अब डला है। न्यूजीलैंड के पास पेट्रोल अभी भी है। जी जी। हाईवे पे चढ़ने के बाद तेजी से स्पीड चढ़ने के बाद पेट्रोल अभी जाम पाते हैं ना उसमें। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के पास पेट्रोल अभी भी है। अब देखते हैं न्यूजीलैंड श्रीलंका के साथ कैसे खेलेगी। 400 रन लगाने के बाद सॉरी टू से केन विलियमसन की कप्तानी, इतनी मिड विकेट कप्तानी मैंने आज तक नहीं देखी यार। आज क्या छक्के मारे, मैं तो कहूंगा कप्तानी उन्होंने अपनी ठीक की होगी, लेकिन आज कप्तानी आपकी मैटर आती है ना। आपने एक टीम ने चार पैसे खिलाए हुए हैं, एक टीम ने स्पिनर्स खिलाए हैं, कौन सा चीज थी सही चीज थी वो समझ नहीं आई। दोनों को कुट पड़ी है, लेकिन जो मोहम्मद वसीम था अगर उसकी बॉलिंग देखें तो फास्ट बॉलर्स पर अच्छी बॉल कर सकते थे। शाहीन को कोटप्पा भरा, ये चीजें छुपनी नहीं चाहिए भाई मेरे। आपको फखर जमान ने बचा लिया, आपको रेस्क्यू से फखर जमान ने वन आर्मी शो किया जी। एक आर्मी शो के जरिए रन बनाए उन्होंने आज 124 का स्ट्राइक रेट, 150 के स्ट्राइक रेट। न्यूजीलैंड में से किस बल्लेबाज में बैठेंगे आप रिचन की बात करेंगे, आप कॉनवे की बात, विलियमसन की बात करेंगे, ठीक है, मिचेल की बात करेंगे, किसी ने उस स्ट्राइक रेट से बैटिंग नहीं की। फखर जमान ने आपको जो है ना पहले 20 ओवरों में गेम फिनिश कर दी, वहाँ मोमेंट फिनिश हो गई थी गेम, ठीक है। वहां पे अगर आप कहते विकेट आ जाती, विकेट आना मुश्किल है, थ्रो कर सकते थे विकेट्स को, क्योंकि फखर जमान है जो सऊदी को उसने एक चौथे स्टंप से नहीं बॉल किया, एक सातवें स्टंप पे किया उसको लपेटा है। आप ये कह सकते हैं उसकी आठवें बॉल की उसने जो मारे छक्के छोटे नहीं मारे, 100 मीटर का, 99 मीटर का, 93, 92 इस तरह के बड़े छक्के और 11 छक्के। किस बैट्समैन का मुझे बताएं कि सेंचुरी मारी हो, 11 छक्के हो और 8 चौके हो आज की जनरेशन अभी तक कोई। एक कह सकते हैं रोहित शर्मा है, लेकिन रोहित शर्मा और फखर जमान से मिला ना, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि रोहित शर्मा और फखर जमान ऐसा खेल सकते हैं, दोनों सिमिलर हैं। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान का कितना चांस है सेमीफाइनल में? पाकिस्तान का अगर तो न्यूजीलैंड हार जाए फिर तो 100% चांस है। न्यूजीलैंड के मैच कुदरत आपके साथ है, कुदरत की बारिश भी होगी, कुदरत न्यूजीलैंड के मैच में 400 में से सिर्फ इस तरह का एक मैच होता है जो निकलता है, हर मैच नहीं निकल सकता। क्या प्रोबेबिलिटी है पाकिस्तान की इस टाइम? मेरे ख्याल से कुदरत के निजाम वाली प्रोबेबिलिटी है इस टाइम। पाकिस्तान इंग्लैंड से जीत भी जाए, ठीक है, न्यूजीलैंड श्रीलंका को मार दे, वहाँ पे आपकी गेम फिनिश है, वहाँ पे नहीं आप 150 रन से जीतोगे। आपके पास सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपका 11 को मैच है बाद में, श्रीलंका का मैच पहले है, तो आपको पता होगा सिनेरियो के यहाँ से यहाँ। आज के दिन को आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, फखर जमान ने बहुत अच्छी हिस्टोरिकल विन आपको दी, बेशक जिसके जरिए आई। अगर वो अच्छा, अगर ये चेस भी हो जाता था, एक रिकॉर्ड बन जाता था, हाईएस्ट चीज बन जाना था, जिस तरह वो खेल रहे थे, जिस पागलपन में वो चले गए थे, उन्हें छोड़ना नहीं था किसी को भी, ऐसा ना वो 38 भी हो जाता, 39 भी हो जाता, ठीक है, क्योंकि किस बॉलर को उन्होंने नहीं बख्शा, हर बॉलर सारे को मारा है, अब होल्ड को सारों को सोती। अच्छा फिलिप वहां पे केन विलियमसन की कप्तानी थोड़ी सी मुझे लगी कि फिलिप्स को 2 छक्के पड़े, फिर उसको ले गया, फिर उसको अगले ओवर में ले गया, फिर वहां पे उसको 20 पड़ा तो वहां पे आप कह रहे ना कप्तानी, तो कप्तानी और हिस्टोलॉजिकल के हिसाब से कि केन विलियमसन जब तक कप्तानी करेंगे न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल है जीतना, ये हिस्टोलॉजिकल एक चीज थी, ठीक है। और हिस्टोलॉजी में ये भी था कि फखर जमान जब आएगा तो ऐसी आग लगाएगा कि दुनिया उसकी तारीफ करेगी, एक इसका सितारा साबित किया, एक इसका सितारा, एक शुभमन गिल का सितारा, दोनों के सितारे अनमैचेबल है, ठीक है, लोग नहीं मानते लेकिन कुदरत का निजाम होता है उसके ऊपर, ठीक है, कुदरत करती है कि भाई आपका कुछ टाइम अच्छा नहीं चल रहा होता, लेकिन जो आपका पेशेंस होती है अंदर, जो आपकी मेहनत होती है, वो तो रायगा नहीं जाती जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो चले पाकिस्तान को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने न्यूजीलैंड को इतने अच्छे तरीके से हराया कि यार हमें यकीन नहीं था, ठीक है, हमें तो ये लग रहा था कि स्कूल के कोई बच्चे गेंदे करा रहे हैं और फखर जमान मारी जा रहे हैं, ये बाउंड्री मल्ले की बाउंड्री लग रही थी, जो बैंगलोर की बाउंड्री थी ना वो मल्ले की बाउंड्री। अगर आप ये सोचे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फखर जमान आता तो फिर कितना मजा, यही तो हम बात कर रहे थे कि फखर जमान क्यों नहीं, आज आपको सवाल का जवाब मिला, फखर जमान क्यों है अंदर जी, यही हम बात कर रहे हैं। बैट्समैन जो होता है ना वो पूरी टीम को चार्ज अप करता है, बाबर आजम को चार्ज अप किया ना,
कम्युनिकेशन हो रही थी भाई, इस तरह खेलना, स्टैटिक्स पे जाना, स्टैटिक्स पे नहीं जाना। लेकिन आप ये सोचते हो यार नहीं, फकर जमान क्यों, अच्छी बच्चे को प्रोटीन दे, प्रोटीन दे क्या जरा उसको 10-11 यार प्रोटीन नजर आई है 11 छक्के की, प्रोटीन नहीं चाहिए, जिगरा चाहिए, हाँ जी हिम्मत चाहिए, कदम चौक लिया तो मारना उसको बॉल को ग्राउंड के बाहर मारना, बेशक ग्राउंड छोटा है, बेशक ग्राउंड की जो मर्जी स्ट्रेटजी चल रही है, जी बिल्कुल, लेकिन उस स्ट्रेटजी पे आपको चलना पड़ता है। तो चले होप फॉर द बेस्ट फॉर पाकिस्तान, लेकिन चले देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो मैच अभी रहता है श्रीलंका के साथ, लेकिन कुछ भी हो सकता है, देखे बार बार मैं कह रहा हूँ, लेकिन 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 चले लेकिन तो आएगा ना, कुदरत का निजाम, जी कुदरत का निजाम है। तो चले मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।